हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज इस वीडियो में हम लोग JEE मेन 2021 के एडमिट कार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। JEE मेन 2021 का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ हो चुका है, कैसे आपको चेक करना है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बिकॉज मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आप JEE मेन 2021 के एडमिट कार्ड को चेक कर सकते हैं। उससे पहले बता दूं कि ये स्पेशल चैनल बनाया गया है JEE मेन से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब कैसे चेक करना है ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली सेम मेथड यूज़ करना है जो मैं कह रहा हूँ, कुछ भी अपने मन से नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं चलता है किस तरीके से वो JEE मेन 2021 के एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें, तो एग्जैक्टली सेम प्रोसेस यूज़ करना है। तो आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउज़र में google.com ओपन करना है और वहाँ पे आपको लिखना है JEE मेन 2021 और उसके आगे आपको लिखना है IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ JEE मेन से रिलेटेड सारे अपडेट्स आते हैं। तो इसे सर्च करेंगे, जैसे ही सर्च करेंगे नए टाइम में जाएंगे। एक्चुअली 14 फेब को एडमिट कार्ड निकलने वाला था, पर किसी कारणवश ये जल्दी हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं JEE मेन 2021 और यहाँ पे लिखा है IAS पेपर, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नए टाइम में जाएंगे, जूम कर देता हूँ इस पेज को 150%, जिससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाए, आप और बेहतर तरीके से देख पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं JEE मेन 2021 एडमिट कार्ड आउट, यानी एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज़ हो चुका है JEE मेन 2021 का। JEE मेन 2021 का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ हुआ है 11th फरवरी 2021 को। एग्जामिनेशन की डेट्स पहले ही अनाउंस हो चुकी हैं। मीनवाइल आपसे रिक्वेस्ट है कि जो सामने आपके फॉर्म है इस फॉर्म को ज़रूर भर दीजिए। अपना फुल नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, आप कौन से स्टेट से हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कर्नाटका का हूँ तो कर्नाटका पे क्लिक करूँगा। आप कहीं और के हो सकते हैं, कर्नाटका के कहाँ के हैं, तो मैं कर्नाटका के एग्जाम्पल के तौर पे कोप्पल का हूँ। अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो अपने गांव या शहर का नाम लिखना है। कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूँ इंजीनियरिंग में, तो इंजीनियरिंग पे सेलेक्ट करूँगा। और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 12th लिख के गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या होगा, JEE मेन से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, आपको ईमेल और एसएमएस के जरिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। तो गेट फ्री काउंसलिंग पे आपको क्लिक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एग्जामिनेशन की डेट्स के बारे में बात कर लें, तो एग्जामिनेशन 23rd फरवरी 2021 से लेकर 26th फरवरी 2021 तक होगी। साल में 4 बार एग्जामिनेशन होने वाला है, आप सबको मालूम है, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई सेशन में। मीनवाइल एडमिट कार्ड के बारे में यहाँ पर डिटेल लिखिए, JEE मेन नोटिफिकेशन एडमिट कार्ड अवेलेबल, एडमिट कार्ड यानी क्लिक हियर टू चेक एडमिट कार्ड। उससे पहले एक गुड न्यूज़ मैं आपको बता दूं कि देश के टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में फुल फॉर्म एडमिशन चालू है। इंजीनियरिंग में आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ आप यहाँ पर एडमिशन है, क्योंकि यहाँ पे 100% प्लेसमेंट रेट मिलता है। क्वालिटी एजुकेशन, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग, इंटरनेशनल एक्सपोजर। एग्जाम्पल के तौर पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हो या UPES हो या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, इनमें हमारे देश के हर स्टेट से ही नहीं, दूसरे देशों से भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तो जब आप उनके साथ पढ़ते हैं तो आपका क्वालिटी टाइम एक्सचेंज होता है, कल्चरल एक्सचेंज होता है, नॉलेज एक्सचेंज होता है। तो किसी न किसी एक में आपको एडमिशन लेना चाहिए। अगर मैं आपकी जगह होता तो डेफिनेटली एडमिशन लेता और आपको इंस्टेंटली बस अप्लाई नाउ पे क्लिक करके एडमिशन ले लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू चेक एडमिट कार्ड, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नेट ऐप में जाएंगे, JEE मेन 2021 एडमिट कार्ड अवेलेबल। अब कौन से सेशन का है ये, फिफ्थ सेशन का एडमिट कार्ड अवेलेबल हो गया है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं एडमिट कार्ड जो है रिलीज हो चुका है। बाकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो पहले ही हमने वीडियो बनाया था जिसमें हमने एडमिट कार्ड के बारे में डिस्कस किया था कब एडमिट कार्ड आएगा, पर हम लोग अब जो है एडमिट कार्ड आ चुका है तो इसे डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर टू डाउनलोड। मीनवाइल आपसे रिक्वेस्ट है कि जो सामने फॉर्म इसे भरते हैं, जिससे फ्री में आपको JEE मेन से रिलेटेड अपडेट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। जैसे ही यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, हमें यहाँ पे 3 लिंक दिए हुए हैं, सर्वर जो है वो 3 सर्वर दिए हुए हैं, डाउनलोड लिंक 1, 2, 3। ओके, तो 1 पे मैंने क्लिक कर दिया है, 2 पे क्लिक किया है शायद, कोई बात नहीं, यहाँ पे 1 पे भी करेंगे तो सेम प्रोसेस आएगा। ओके, 1 पे कर दिया है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर लिखना है, जो भी एप्लीकेशन नंबर है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है, डेट ऑफ बर्थ एक्जैक्टली सेम लिखना है, वही लिखना है जो आपके 10th के मार्कशीट के ऊपर है। यहाँ पे सिक्योरिटी पिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, जैसा है वैसा ही लिखना है, कुछ भी अलग नहीं लिखना है। और सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका एडमिट कार्ड आपके सामने होगा। एडमिट कार्ड का कम से कम 2 या 3 प्रिंट आउट निकालना, जो काउंसलिंग के वक्त भी हेल्प करेगा आपको, एग्जामिनेशन देने के लिए भी आपके लिए काम आएगा। उसके बाद एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, एडमिट कार्ड के साथ अपना आईडी प्रूफ भी जरूर लेके जाएं, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी है कुछ है आपके पास वो कुछ ना कुछ लेके जाएं, या फिर स्कूल का आईडी कार्ड जो क्रॉस वेरिफिकेशन पर्पस के लिए काम आता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे ओपन कर सकते हैं, या फिर जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया वैसे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ी भी हेल्प की है, डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।